हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। नाम रखा है इल्लई राजा, पुराना नाम लगता है ना, लेकिन फिर भी हर जगह इल्लई राजा ही चलता है। हाँ, मेरे मम्मी पापा को भी इन्हीं के गाने सुनकर प्यार हुआ था, पता है तुझे? मतलब इनके गाने की वजह से ही तू इस दुनिया में आई है, समझ रही है? ए, वो किसी को फोन कर रही है। पापा? इसका मतलब उसके पास 2 फोन था। तू जा, मैं देखता हूँ। प्लीज उठाइए। दरवाजा खोल। किसको फोन कर रही है? खोल दरवाजा। फोन दे। किसे फोन कर रही थी? दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चितमंगलू रोड पर है, शादी से लौट रहे हैं। फोन बंद कर। पुल है और उसके पास एक मंदिर है। मंदिर के बगल में पुलिस वाले हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने तो खुद को दाढ़ी में लॉक कर लिया है। ये मैसेज मिलते ही सबको फॉरवर्ड कर देना प्लीज। यहाँ पर कोई नहीं है मदद के लिए, प्लीज कोई आओ। फोन नहीं रखेंगे तो? उसने यहाँ का एड्रेस जरूर भेजा होगा। कौन है पुलिस वाला? कौन है पुलिस वाला? उसकी फोटो भेज, मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसे देख लूंगा, ये सब बोला होगा। सब फोन पर ही अपनी अकड़ दिखाएंगे, कोई भी सामने नहीं आने वाला। हाँ? ये खबर अब तक फैल गई होगी, वो तो रात है इसलिए हम लोग बच गए। कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो नहीं है, पुलिस ने हमें मदद की है। ऐसा अच्छा सा टाइप करके एक मैसेज भेज दिया मैंने, और उन लोगों ने रिप्लाई भी दिया हैप्पी जर्नी करके। अब से दोबारा कोई मैसेज नहीं आएगा। क्यों रो रही हो? ऐसे रोती रहोगी ना तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा सूख जाएगा। क्या है? सर मैसेज आया है। कैसा मैसेज? इसमें लिखा है कि मैं आ रहा हूँ। किसी ने मजाक में भेजा होगा, यहाँ कोई नहीं आ सकता। ऐसा कभी हुआ है क्या? अब वॉइस मैसेज भेजा है, प्ले करता हूँ। देखिए आप लोग कहाँ हो मैं जानता हूँ, वहाँ हमेशा ऐसा ही होता रहता है। 10 मिनट में आ जाता हूँ, कुछ भी हो आप लोग कहीं जाना नहीं, कसम से आ जाऊंगा। भैया जल्दी आ जाओ प्लीज। देखा, आवाज सुनने के बाद इसके अंदर कितनी हिम्मत आ गई। तुम देख लेना, वो 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे और तुम में से कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि इस जगह पर हमेशा ऐसी हरकतें होती ही रहती हैं। यहाँ पर कौन आने वाला है? शायद तुझे पता नहीं है, उसके यहाँ आते ही भूचाल आ जाएगा। We'll be right back.
आ गया लगता है। हाँ तो गया, लेकिन वापस कैसे जाएगा? पांच मिनट रुकना, इनको सबक सिखा के आता हूं। परेशानी तो नहीं हुई ना भैया? थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप ठीक टाइम पर आ गए। एक वॉइस मैसेज आया था, उसका भी इन्होंने रिप्लाई किया। अरे उनको डराने के लिए ही तो मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, और उनका मैसेज पढ़कर ही तो मैं सब कुछ समझ गया था। उसे तो आई भी नहीं आता, फोन गलत हाथ में लग गया है। अच्छा छोड़ो, अभी तुम लोग ठीक तो हो ना? मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है भैया, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो अब कुछ न कुछ हो जाता, हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती। नहीं नहीं ऐसा मत, शादी उस पुलिस वाले के साथ हो जाती। अरे ये पुलिस है ही नहीं, ये तो डुप्लीकेट है, यहाँ हमेशा ऐसा ही होता रहता है। मैंने कहा था देखो सही पुलिस आ गई। सर इनको मैंने इन्फॉर्म करके बोल दिया, मैंने पहले ही बोला था ये चोर चके यहाँ पर घूमते रहते हैं। आज आपने जो हमारे लिए किया उसका कर्ज हम कैसे चुका पाएंगे भैया? देखो मदद करनी है तो ऐसे करो जैसे शरीर पर तिल होता है, वो कभी किसी को दिखता नहीं लेकिन हमारे लिए बहुत लकी होता है। उसी तरह मदद भी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। आप लोग भी यही करना, किसी को बिना बताए मदद करना। हाँ वो तीन साल पहले जो मैसेज आता था ना कि किसी को ब्लड की जरूरत है, ब्लड चाहिए, तो वैसा ही अभी फॉरवर्ड हो रहा है। वो गया क्या, वो आया क्या, मगर एक थैंक्स वाला कोई भी रिप्लाई नहीं आता था। अब वो सब फॉरवर्ड करना छोड़कर आप लोग ही फॉरवर्ड आइए। आप लोगों ने जो मैसेज भेजा था उसकी वजह से मैं जितनी दूर आ सकता था मैं आ गया। अब आप लोग भी जितनी दूर जा सकती हो उतनी दूर जाकर लोगों की मदद करना, ठीक है? अब ये काम करना, जाकर अपने कार में बैठ जाओ और आराम से घर चले जाना, ओके? हाँ क्या हुआ? आपसे फिर मिल सकते हैं ना? अरे बगल के गाँव में रहता हूँ मैं, वहाँ आकर मायावरम के मणिशंकर के बारे में पूछना, कोई भी बता देगा। दुबई गया हुआ मर्द अचानक रात को 12 बजे अपने घर पे आ गया और तुरंत दरवाजा खोल कर देखा तो गुड मॉर्निंग बोला और टीवी के सामने जाकर बैठ गया और टीवी में कुकड़ों को ऐसे सुनाई दिया। दुनिया में हजारों गांव हैं लेकिन मायावरम की तरह कोई गांव नहीं है। पानी की गांव में कोई कमी नहीं है, खाने पीने से लेकर ट्रैवलिंग की सेवा तक सब कुछ व्यवस्थित है। ये देखिए हमारे गांव के सिनेमा हॉल हमेशा भरे भरे रहते हैं, बच्चे बच्चियां स्कूल जाते हैं, गांव के बच्चे खेलने में पानी में तैरने में बहुत आगे हैं। हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब इन अन्नामलाई की वजह से है। अब इनके बारे में क्या बोलूं? बिना टीवी वाला कोई घर नहीं है, सबके घर में प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पर अन्नामलाई की बात ना हो। अरे बच्चे लोग बहुत समय हो गया, तुम्हारे स्कूल की घंटी भी बज चुकी है, तुम लोग 10 मिनट लेट हो चुकी हो। तुम लोग ये सब क्यों कर रही हो? हाँ अरे भाई कोई कुछ भी करे इससे तुम लोगों को क्या? हम लोग क्या आपको परेशान कर रहे हैं अंकल? यहाँ जो भी लोग आते हैं हमारे रिश्तेदार हैं, वो दारू में पैसा उड़ाते हैं, घर में बिल्कुल मदद नहीं करते। अरे तुम जो कह रही हो वो सही बात है लेकिन तुम्हारी बात कोई क्यों सुनेगा? यहाँ कोई कुछ भी कहे हमें बिना सुने काम करने के लिए कहा गया है। अगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो समझो मेरे घर में चूल्हा बंद हो जाएगा। ए, क्या भीड़ लगा रखी है, झंडा भी उठा रखा है, ये सब अब फैशन हो गया है। ठीक है लड़कियों का बाप कौन है ये पता करके मुझे बताओ। सुंदर, धर्मपाल, मनोहर, राममूर्ति, राजेंद्र। अपनी वाइन शॉप में 4-5 लड़कियां रोते हुए लड़कों से कह रही हैं कि दारू ना पिए। भैया सबको ले जाने के लिए उनके पापा आए हैं लेकिन मुझे लेने के लिए पापा नहीं आए क्योंकि आपने पिछले महीने उन्हें जान से मार डाला था। मैं धर्मपाल की बेटी हूँ। धर्मपाल की लड़की है? ठीक है छोड़ो, मैं फोन करके लेडीज पुलिस को भेजता हूँ, तब तक तुम कुछ और मत करना। अरे रे सुनिए सुनिए सुनिए, अब क्या हुआ? यहाँ मणिशंकर आया हुआ है। वो आ गया क्या? ए मूर्ति, ए कोई टीवी ऑन करो जल्दी।
देखो तो लड़की बीच सड़क पर आकर खड़ी हो गई है। अरे रे, वो तो जो मर गया उस धर्मपाल की बेटी है ये। अपने बाप को खोकर बैठी है, एक लड़की को वो अभी बच्ची कह रही है। हम भी पूछेंगे कैसे चलेगा ये सब। सर 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 सर, ये क्या है सर? पूरे गांव को क्या हो गया है? तीन पीढ़ियों से आपके खानदान का राज चल रहा है और वो लोग एक नॉर्मल लोकल चैनल वाले हैं सर। इन सबको देख के आपको डरना नहीं चाहिए। आपके दादा और परदादा का कितना नाम था? नाम? बड़ा नाम? मणिशंकर कौन है जानता भी है तू? वो कोई लोकल चैनल है क्या? सबसे बड़ा चैनल है इस एरिया का, मीडिया लाइन में उसका बहुत बड़ा नाम है। वही सबको उठाता और गिराता है। मैं आज तक उसका कुछ नहीं कर पाया। सर 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 सर, रुकिए सर। नमस्ते भाई। जिसने ये सब किया है पांच मिनट के अंदर यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। कैसे लाया, कहाँ से लाया और वो कहीं दिख नहीं रहा है। उसने यहाँ लोगों को जमा कर दिया है, वो यहाँ नहीं दिखाई देगा। हम लोग इतनी भीड़ इकट्ठा करके खुद ही वहाँ से चले आए। अरे मैं वहाँ खड़ा रहता तो वो मेरे तरफ के लोग ऐसा कहेंगे। हा? अरे ये उनका अपना मामला है तो उनको ही देखने देना। यहाँ बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए आदमी नहीं है। लोग पत्थर मिट्टी हवा ऐसा नाम क्यों नहीं रखते हैं? क्यों सुभाष गांधी या भारती ऐसा नाम रखते हैं? उन लोगों के जैसा कोई आना चाहिए, इसीलिए ही ना। घंटा नाम रखकर अगर साउंड ही नहीं निकला तो कैसे चलेगा? मणिशंकर, मेरे दादा आर स्वामी के बारे में तुम क्या जानते हो? जनेऊ खोलकर कमर में बांधने का मतलब जानते हो क्या? लगता है तुम्हारी धोती खुलने वाली है। मैं भी एक गुंडा था, चाहो तो नैनतारा से पूछ लो। सब नहीं पूछ सकते, मेरे बारे में बताओ इसे। हाँ भाई, ये बहुत ही तकलीफ में है। यहाँ पैसों का बंटवारा ठीक से हो नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा पैसा उधार दे दीजिए। मैंने ऐसा कहा क्या? क्यों भैया, आप इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अरे अरे दीदी, जरा चुप रहो। इन लोगों को मारा तो गांव में बारिश नहीं होगी, ऐसा चाचा ने कहा है। नहीं नहीं, पेड़ काट देंगे तो बारिश कैसे होगी? आप इनसे ऐसी बातें कर रहे हैं, इनकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। मणिशंकर, इस बात को तू अपनी बहन को बताता है या मैं इसे समझा दूं? चुप रहो वरना ढोड़ा लेगा। अरे भैया क्या बात है? अरे मैं बताता हूँ, सुनो। तीन साल पहले की बात है, जरा वहाँ देखो। ये क्या है भैया, आखिर ये सब ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? बोलो ना। तेरा भाई अब इसे बजाने देता है क्या? पहले जब इसे बजाते थे तो तंजावूर तक सुनाई देता था। अब अगर इसे बजाएंगे ना तो पास में भी नहीं सुनाई देगा। कैसे इसकी मन्नत स्वीकार होगी? ऐसे कैसे भगवान? मुझे बोलने तो दो। ये दादा और परदादा के समय से बंधी हुई है, अब इतनी पुरानी चीज कैसे अच्छी होगी? अपनी खुशी के लिए बच्चा और मंदिर के लिए घंटा, ऐसा मेरे पिताजी कहते थे। और घंटा बांधने से मेरा नाम मणिशंकर। ऐसी बात है क्या? इतने दिन तो हो गए और दो महीने बस। भांजा या भांजी आने के बाद 250 किलो पीतल का घंटा लेकर मैं रेडी रहूंगा। यहाँ से तंजावूर क्या पूरे राज्य में सुनाई देगा? पूरे राज्य को सुनाई देगा क्या? वो पीतल का घंटा है या किसी और धातु से बना है? देखो पंडित जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तुम भी इनकी बातों पर हंस रही हो। अरे बेटी क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया? संभालो उसे, मणि 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 संभालो उसे, क्या हो गया? अरे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जा। दीदी कुछ नहीं होगा ना? दीदी दीदी तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तो बड़े घर की लड़की देखी थी और तूने मेरे बेटे की शादी एक बीमार लड़की से करवा दिया। मेरा बेटा अच्छा कमाता है, अब वो विदेश जाके कमाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा मेरा बेटा। अब जो इसका बच्चा पैदा होगा उसे तुम लोग अपने पास ही रखना। तेरे फ्रेंड ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इन लोगों ने झूठ बोला हम लोगों से। कर रही हो, जाओ यहाँ से, जाओ चलो जाओ बैठो। फ्रेंड के लिए, फ्रेंड की बात सुनकर ही शादी की थी। मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए तुझे मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन यार। वो सारे के सारे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनका भाई, उनकी बहन, उनका परिवार, मतलब ही कहीं के। जिसकी शादी नहीं होने वाली थी उसकी शादी हो चुकी है, जिसका बच्चा नहीं हो रहा था उसका बच्चा भी हो चुका है, पर उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो बस इल्जाम लगाएंगे कि माता पिता की बीमारी कहीं बच्चे को ना हो जाए। तू जानता है कि ये सारी अनाप शराप बातें रोज मेरे कानों तक पहुंचती है। अरे उनके लिए तू क्यों परेशान हो रहा है? तू देखना, अगर वो यहाँ है तो मैं उनका कत्ल कर दूंगा और जेल चला जाऊंगा। जब से बच्चा हुआ तब से मैं यहाँ पर हूँ, पूरे गाँव को हिला दूंगा। अब तू देखना, मैं हर किसी से बात करूंगा, हर किसी से। डिलीवरी टाइम में मिर्गी आना ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए अच्छा नहीं है, और ऐसे वक्त पर डिलीवरी करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। और अगर हमने इस वक्त उनकी डिलीवरी की भी तो दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। उनका बहुत ध्यान रखना होगा। तुम उनके भाई हो इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे वक्त पर पेन होने के वक्त मिर्गी नहीं आनी चाहिए, और अगर मिर्गी आए तो पेन नहीं होना चाहिए।
उनका ध्यान रखिए। ओके डॉक्टर, थैंक्स। डरो मत भैया, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे के सर पर तुम्हारा हाथ है, ऐसे कैसे जा सकता है? ये इस दुनिया में जरूर आएगा और तुम्हारे साथ खेलेगा, मस्ती करेगा। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। देखो ये कितनी गहराई से सोच रहा है कि तुम्हें बच्चा हो गया। क्या इसकी हाइट थोड़ी कम है ना? अरे शांत हो जा, क्यों गुस्सा कर रहा है? मनी आ रहा है। क्या बात है भैया, क्या कहा डॉक्टर ने? देखो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। डॉक्टर का क्या है, वो तो बोलते ही रहते हैं, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? ए, कहाँ है यार, फिल्म शुरू हो गई। हाँ बस बस, मैं आ गया बस बस, पार्किंग में हूँ। कौन सा रो है? सी रो में आ जा। सी फॉर समंदर। चुप तू, फोन आ गया, सी फॉर समंदर। क्या नहीं, सी फॉर बंदर। तू देख, अबे सीढ़ी चढ़ रहा हूँ यार, क्यों दोनों अलग अलग फोन कर रहे हो तुम लोग भी? अबे यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार। हाँ सुन रहे हैं ना? हेलो पापा, सुन रहे हैं? हेलो पापा, हेलो पापा, अब सुनाई दे रहा है ना पापा? नहीं नहीं, आगे की गाड़ी में दूल्हा दुल्हन जा रहे थे और पीछे की गाड़ी में बैंड बज रहा था, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। ओके, और चार पाँच दिन पापा, अब माँ से कह देना। हेलो, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है पापा। हेलो भाई, कल कॉल करती हूँ, बाय। जेंट्स टॉयलेट में आ गए। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, कभी किया नहीं है क्या? हमें तो वैसे नहीं किया लगता, पागल की तरह काम करते हैं ये लोग। कहीं के मैं तो जरा सी भी अकल नहीं हूँ। चुप चुप प्लीज प्लीज चुप प्लीज, सॉरी मैं पैर पड़ती हूँ, किसी को बताना मत प्लीज। अंजलि गांगुली, मजे करने के लिए ये नंबर लगाना भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती से कॉल करते करते। अबे ये तेरा ही नंबर है। तुझे उस बाथरूम में लिखने के लिए कहा था, यहाँ क्यों लिखा? वहाँ जगा रही थी इसलिए। वहाँ जगह नहीं थी क्या? हाँ। पागल कहीं का। अरे आ यार, यही हो जाएगा। ए, जल्दी बाहर आ। ए, क्यों बाहर आ? छिछि क्या कर रहा है? निकल। चल भाई चल, हो गया। एक पप्पी दो ना। अरे दो ना। अरे नहीं, अरे नहीं, अभी चाहिए। अभी नहीं, मैंने कहा ना मिल जाएगी ना। हाँ ठीक है। तो क्या हुआ? ओ, मुझे प्यार शर्म में आ रही है। नहीं करता प्यार में, सिर्फ प्यार करता है। तुम नहीं समझ, क्यों बे, तुम दोनों साथ में एक ही बाथरूम में क्या कर रहे थे? अबे कुछ नहीं चल रहा, मैं कर दूंगी। अच्छा भाई, त्रिशा ने उस सीन के बाद जबरदस्त एक्टिंग की है। लेकिन हीरो थोड़ा सा डर लगा। ज्यादा बोल मत, बड़ा मजा आता है। Hey, हाँ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ हर हफ्ते हर फ्राइडे को यहाँ आती हूँ। फ्राइडे? हाँ। ओ, अच्छा, नहीं नहीं, डेली 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 5:30। डेली? शाम 5:30 बजे? नहीं नहीं, वो डेली आती है। माँ की फोटो नहीं है? तुम्हें देखने का मन नहीं करता? भैया तो है ना, और अगर देखने का मन किया तो कुछ दिखाऊं तुम्हें? माँ खाना बनाती थी, यही वो जगह है जहाँ बैठकर माँ खाना बनाया करती थी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। दीदी का अच्छी तरह से ध्यान रखना, बाहर ज्यादा मत घूमना, डेली कॉल करूंगी, और दीदी की डिलीवरी होने के बाद मुझे कॉल कर देना। ओके बाय, जाओ आराम से। बाय बाय बाय। ए भाई, बस रुकेगी वहाँ भी, वो बाथरूम जाएगी, तुम्हारी तरह सेम सीन हो सकता है, ध्यान रखना। दिन पर दिन यहाँ के हालात खराब होते जा रहे हैं, अगर छोड़ा तो जिंदा गाड़ देगा वो। उसके कनेक्शन निकाल कर फेंक दो, उस वकील को भेजो। दिन ब दिन उसकी वजह से नुकसान होता जा रहा है। पिछले महीने मंडप गया और कल ये फैक्ट्री गई, और कल क्या जाएगा पता नहीं। सर इतना कुछ होने के बाद भी आप खामोश है सर? इस गांव में उसकी बिना पहचान का एक आदमी नहीं है। मायावरम से लेकर त्रिवायुर तक कनेक्शन है उसका, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो पब्लिक मेरा मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटेगी, समझे?
अपने मंजा भाई के कनेक्शन को आपने उखाड़ कर फेंका, ऐसा मेरे सुनने में आया है। मैंने कहा था ना भाई, बहुत उखाड़ू है। ए, मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, ये अपना दोस्त है, आप तो जानते ही हो ना कि अपना कोई छोटा भाई नहीं है। अगर छोटा भाई होता ना तो मैं पूछता कि ऐसा क्यों कहते हो, अगर बड़ा भाई होता तो भी मैं पूछता, लेकिन कोई बात नहीं, भाई नहीं है इसलिए मैंने ज्यादा बात नहीं की, समझे ना। लेकिन अगर फ्रेंड को बोला ना तो काट डालता हूँ, क्योंकि हमारे लिए फ्रेंड ना ऑक्सीजन जैसा है। क्या बोलता है? ठीक है, वैसे भी हमारी कौन सी पुरानी दुश्मनी है, बहुत हो गया, इसे यहीं खत्म करते हैं। वैसे भी तेरी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, और मेरी वजह से अपने किसी एक को तू मत खो देना। पुराना डायलॉग, डर ही नहीं लगा। भाई नया कुछ बोलो ना, ऐसा डर लगना चाहिए, ऐसी कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। आजकल तो भूत भी कॉमेडी करते हैं, डर ही नहीं लगता यार। भाई आपने ही शुरू किया था, आपने हमारा केबल कनेक्शन मांगा, हमने नहीं दिया, लेकिन उसे उखाड़ कर जो फेंका ना, अब उसके बाद तो जितना भी नुकसान हुआ है वो तो आपको देना पड़ेगा। अगर तुम कुछ नहीं करते तो मैं भी ऐसी बात को यूं भूल जाता, सोच लेता कि रात गई बात गई, मजाक मस्ती में कोई तो हरकत हो गई। भाई तुम हमेशा छोटी मोटी हरकत करते हो, मुझे पता नहीं है क्या, पता नहीं आप जैसे लोग हमेशा ऐसे थर्ड क्लास काम क्यों करते रहते हैं। हम अपनी औकात पे आ गए तो क्या हो जाएगा। भाई का चेहरा देखना। भाई अरे आप तो पढ़े लिखे हो ना, जरा भाई को समझाओ कुछ। क्या ये पढ़ा लिखा है, ये बात कैसी लग रही है पता है? बिना मर्द वाली औरत गांव में जाकर डिलीवरी की बात करती हो इस तरह। अच्छा। चल कॉमेडी बहुत होगी, अपना काम करते हैं, एक और कॉमेडी देखते हैं। अबे चलना यार, कितना बात करेगा मुझसे, चला जा। ठीक है व्हाट्सएप पर देख लेंगे। ओके भाई, भाई कुत्ताला में भी एक ही कनेक्शन है ना, तो उसे भी हम लोगों ने केबल कनेक्शन दिया है। आप उधर आएंगे तो आपको बड़ा पिक्चर दिखाएंगे। बाय। लव यू सर। ये लोग तो बहुत डेंजरस है सर, सही वक्त का बस इंतजार कर रहा हूँ मैं, अगर इन्हें ठिकाने लगा दिया तो आप मुझे क्या इनाम देंगे सर? मेरी एक जान पहचान का आदमी है, एक बार उसकी फोटो हमने उसे दिखा दी ना तो समझिए उसका काम तमाम सर। अगर कोई सटीक निशानेबाज मिलता है ना तो वो जो मांगे उसे दे देना, मैं उसे भेजता हूँ सर। भरोसा दिला के गला काट दिया ना? मैं गला काटने या पीठ पर वार करने वालों में से नहीं हूँ। बड़ी जगह से आया हुआ मास्टर है ना, इसलिए तुझ पे भरोसा किया। ऐसा सोचना भी मत, सिर्फ मैं फोन नंबर लेकर आया हूँ, अगर मेरे पास फोटो होती ना तो अब तक जिंदा नहीं होता। ओ, फोटो होता तो तू उसे मार देता क्या? फोटो से हाइट और वेट का तो पता चलता है लेकिन दिमाग का नहीं चलता। अगर दिमाग तेज हो ना तो 10 लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हिटलर की हाइट बहुत कम थी लेकिन उसने पूरी दुनिया को डरा कर रखा था। हाइट और वजन पर मत जा, इंसान का दिमाग मजबूत होना चाहिए। फोटो की बात करता है फोटो की। अरे वो क्या है ना कि पहले फोन पर झगड़ा करते हैं, फिर पीटना है कि नहीं पीटना ये डिसाइड करेंगे। ये कुछ समझ में नहीं आया। तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, कुछ और करना होगा। उसका नंबर दे मुझे। चाय की दुकान पर डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है, देखा? छोटे बच्चों की शादी करवा दोगे तो मिट्टी में ही खेलेंगे ना। चाय पिएगा क्या? जो भाई वैसे ही जाने के लिए रास्ते में और गली में। बहुत मारूंगा तुझे। तू भी डबल मीनिंग में चल रहा है भाई। हेलो। इसे एक चाय दे देना। कौन है यार? अभी मैंने क्या किया? फोन पर गंदी गंदी गालियां दी। अगर तुझे कोई फोन पर उल्टा सीधा बोले तो? अरे अगर मुझे कोई उल्टा सीधा बोलेगा ना तो फोन पर गाली दूंगा, नहीं तो फोन में घुसकर मारूंगा उसे मैं। अगर ऐसी बात तू करेगा ना तो वो समझ जाएगा तू फालतू है, तुझमें दम नहीं है, वो तुझसे अकेले ही निपट लेगा। लेकिन अगर वही आदमी तुझे, हेलो सर आपने मुझे फोन किया था सर, आप कौन हो सर, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो सर? यस सर। क्यों सर, किस लिए सर, आप ऐसी बातें क्यों मुझसे कर रहे हैं सर? अगर कोई ऐसी बात बोले तो समझ लो वो बहुत शातिर है, वैसा आदमी सिर्फ 4 पर नहीं 100 पर भी भारी पड़ सकता है। जरा वापस कॉल लगा, उसे भी हम उल्टी सीधी बातें सुनेंगे। हाँ ना, लगा ना फोन लगा। ए चुप रहो यार,
किसका क्या लफड़ा है क्या पता, शायद जल्दबाजी में कोई गलत नंबर लगा दिया होगा। नंबर तो नया है और ये वॉइस भी मैंने कहीं सुनी नहीं है। इतना तो पता चल रहा है कि ये लैंग्वेज नॉर्थ की है। अब पता नहीं ऐसा कौन हो सकता है। भाई हाँ, एक चाय बोलना। क्या सोच रहा है भाई? ये कॉल मेरा नहीं है समझ ले, और अगर इसी नंबर से दोबारा कॉल आया ना और मुझसे बात करेगा तो कंफर्म बात समझ में आ जाएगी। ओए मेंदू बड़ा खाएगा क्या? कंफर्म मेरा ही है बे। हे, उसने फोन कट कर दिया, लेकिन वो हमें फोन जरूर करेगा। तो क्या करने जा रहा है? क्या उससे ये बोलने जा रहा है कि मैं आपको वापस कॉल करूंगा और उससे आराम से पूछेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं देखा ना, उसी का फोन है। वो सच नहीं बोलेगा। देखना वो बोलेगा मैं पुलिस वाला हूँ या एडवोकेट हूँ। अब फोन पर उसकी आवाज सुनते ही मैं बता दूंगा कि उसका कद वजन और वो किस रंग का है। ना चलो स्टार्ट करो। मैं मायावरम से मणिशंकर बात कर रहा हूँ। मैं बल्ली बोल रहा हूँ। बोल भाई, सुन रहा हूँ। बोलना। मेरी बात ध्यान से सुन। आज से सातवें दिन, ठीक सातवें दिन तेरे गांव में आकर तुझे उठा कर ले जाएंगे। यही बताने के लिए तुझे फोन किया। ठीक है भाई, बता कब आ रहा है। मैं याशरवड़ी का बल्ली बोल रहा हूँ रे। हे, कब आ रहा है बताना। एड्रेस बताना। यहाँ आकर बुला लेना। क्या रे बल्ली भाई, कौन था वो, हिटलर या फिर चार्ली चैपलिन? जरा मुझे बताना तो, क्योंकि दोनों की मूंछें बिल्कुल एक जैसी है, छोटी छोटी। कौन सा काम बोला उसने? ते, बाहर वाला होकर भी मुझे जाबे कह रहा है और उसे पूरे डिटेल्स पता है। उससे पहले मुझे उसके पूरे डिटेल्स चाहिए। वो सात दिनों में यहाँ पर आ रहा है, लेकिन गिन के सात घंटे में ही उसे मायावरम पहुंचाना चाहिए। हाँ बोल बे। अगर वो दस लोग आएंगे तो भी हम उन्हें रोक सकते हैं भाई। ए, वैसे वो लोग वहाँ पर नहीं आएंगे। मैं बाद में फोन करता हूँ तुझे। हाँ ठीक है भाई। क्या बात है भैया, कोई टेंशन चल रहा है क्या? फोन पर फोन आ रहे हैं, भाभी आने वाली है क्या? ए, कोई लफड़ा तो नहीं किया ना, या फिर भाभी को लेकर भागने वाले हो? चुप रहो ना दीदी, बोल कर जाना। हाँ दीदी संभाल कर सुना जरा। हेलो। हाँ बोल, बोलना भाई। अपना धना बुला तो यहाँ आकर देखा, वो पुराना वाला रेलवे गेट है ना, उसके बगल में जो ताड़ी की दुकान है वहाँ मद्रास लिखा हुआ है, एक ओमनी कार रुकी हुई है, उसमें कुछ अजीब से दिखने वाले लोग हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या करना है? अच्छा सुन, कहीं मत जाना, तुम सब लोग वहीं पर रुकना, मैं बस 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, ठीक है ना? कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी आ जा। भैया इस वक्त कहाँ जा रहे हो? दीदी वो आपने मिर्गी की और उल्टी की दवा ले ली है ना? हाँ ले ली है। टॉनिक भी ले लिया ना? हाँ ले ली बाबा। सुपर। अच्छा देखो तुम वहीं पर बैठी रहना। पर जा कहाँ रहे हो? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम? दीदी मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, तुम बस वहीं पर बैठी रहो। अरे चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं आ रहा हूँ दीदी। भैया फाइटर हैं सर, यहाँ शूटिंग करने आए हैं। यूनियन कार्ड भी है। वो सुना कि आप ओरिजिनल ताली मिलती इसलिए पीने आए। हम लोग यहाँ कोई लफड़ा फड़ा करने नहीं आए। हाँ सर। चलो रे। उसके बात करने का ढंग ऐसा नहीं होगा,
वो यहाँ बैठकर ताड़ी वाड़ी नहीं पिएगा। ठीक है ठीक है, वहां दीदी अकेली बैठी है, मैं चलता हूँ। ए चलो भाई। हाँ ठीक है ठीक है। दीदी जब दर्द होगा ना तो फीट्स नहीं आनी चाहिए, और फीट आते वक्त दर्द नहीं होना चाहिए, और दोनों एक साथ हो गए ना तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, समझ गई ना? जुनून वाला आदमी है, अपने काम के लिए वो किसी का भी गला काट सकता है, किसी को भी नहीं छोड़ेगा वो। से पाल रहा हूं, बचपन से एक बाप जैसे अपने बच्चे को संभाल कर रखता है वैसे मैंने इसे संभाल कर रखा है, और अब ये देखने को रह गया था क्या? एक फोन नहीं, अरे मैं आ जाता ना, लेकिन इसे मेरी जरूरत ही नहीं। पता नहीं बेचारी यहां तक कितनी मुश्किलें झेल कर आई, अरे वो मेरा दोस्त श्रावण, मैं उसे क्या कहूंगा? इसे कुछ हो जाए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं होगा भाई, चिंता मत कर। कितनी तकलीफ झेली होगी, और यहां कैसे आई क्या पता? अरे यार मैं किसी भी काम अरे नहीं। यार तू बेकार में चिंता कर रहा है, शांत रह। कुछ नहीं होता मुझसे। ए गोपी क्या हुआ है पूछना? ए ए पूछता हूँ, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? ए रुकना रे भाई, ए मणि कहाँ जा रहा है? बस यार क्या हुआ सिस्टर? हाँ वही बताने आई हूँ, मणिशंकर आपकी बहन को लड़का हुआ है। और मेरी दीदी? दोनों बिल्कुल सेफ हैं। सिस्टर
लेके जाएगा। थैंक्स यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद मामा का सवाल जवाब मन्नत खुशी जीत सब कुछ तू ही रहेगा, बस सब कुछ तू रहेगा। थैंक्स यार, तू आ गया। थैंक्स, ले पकड़ पकड़ी से। मामा आज आ नहीं पाया ना, इसके लिए माफ कर दे मामा को, प्लीज माफ कर दे। मणिशंकर डॉक्टर, थैंक्स डॉक्टर। अपना थैंक्स अपने पास रखो, तुम्हारे थैंक्स की वजह से तुम्हारी बहन की जान नहीं बची है। ये थैंक्स जाकर अपने फ्रेंड से कहो। हाँ कहूंगा डॉक्टर, थैंक्स। हे, कौन आया होगा? पता नहीं यार, हम लोग तो तेरे साथ ही थे। हे, अरे अपना कुमार यार, वो कलेक्शन का पैसा लेता हूँ बोलकर घर पे आने वाला था, उसको फोन करना। फोन लगा, फोन लगा, फोन कर, फोन कर। ए कुमार, कहाँ है तू? और कहाँ, ड्यूटी पर। तो दूसरा कौन होगा? ए, अरे अपना रमेश होगा यार, वो बचपन से ही हमेशा मजाक करता रहता है। हाँ। अभी भी मजाक ही कर रहा है ना। रुक दिखाता हूँ, रुक इसको फोन करता हूँ। अरे तू घर पे आया था क्या? हाँ, वो दूसरे राज में गया। अरे नहीं, तू हॉस्पिटल में आया था दीदी को? नहीं, वो नहीं है यहाँ पर। नहीं आंटी, वो हॉस्पिटल में ना दीदी, उसको बचा हुआ। कुछ बताया भी नहीं उसने। संदीप क्या बोला? संदीप भी ना बोल रहा है यार। ए, ये तो उसी का फोन आ रहा है, अगर ये डिस्टर्ब नहीं करता तो आज मैं अपनी दीदी के साथ ही होता। हेलो, ए तू आ जा। तेरे घर पर गया था, वहां मुझे कोई आदमी नहीं मिला। क्या क्या बोला? क्या बोला तूने? मुझे लगा था जब मैं तेरे घर पर जाऊंगा तो तू मेरा स्वागत करेगा और मैं तेरा सर काट दूंगा, लेकिन वहां मुझे वो बेचारी लड़की मिली। तेरी बहन है ना वो? सर, 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 कौन है रे सर? मैं तेरा ऑफिसर हूँ क्या? बॉस, बॉस आप? हे, कौन बॉस रे? आप कहाँ हो बॉस? कहाँ हो बॉस, बताओ? क्यों, वापस कहाँ हो, कहाँ हो, क्यों पूछ रहा है तू? क्या तू मुझे मारना चाहता है? किसी की इज्जत कैसे करते हैं पता नहीं? अरे अरे, ऐसा नहीं है बॉस, आप कहाँ हो बताओ ना, मैं अभी आता हूँ। क्या कहा बॉस? चाहो तो मुझे मार दो बॉस, अरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। अरे रुक यार बॉस, आप कहाँ पर हो बताओ, मैं खुद वहाँ पर आ जाऊंगा। हे, तुझे क्या लगता है कि जब तेरी मर्जी होगी तब तुझे मारूंगा क्या? तुझे तो मैं अपने हिसाब से मारूंगा। फोन रखो। सर आप कहाँ हो बता दीजिए ना। सर 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 मुझसे मजाक कर रहा है। सर 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 सॉरी सर। जैसे सुबह बोल रहा था ना, चल अब वैसे ही बोल। बोल ना, बोल रे। एक जरूरी फोन आ गया था इसीलिए मैं वहां से निकल गया, नहीं तो वहीं रुक कर तुझे मार देता। फोन रख। सर सर आप अभी आकर मार दीजिए। सर रुकना यार। सर सर हेलो हेलो सर। ए भाई, ए क्या है सब? अरे वो बल्ली घर पे आया था। हा? हा? उसने मेरी दीदी को एडमिट कराया हॉस्पिटल में। क्या? मैं नहीं था उस वक्त, वो मेरे घर पे आया था। ए, उसने कहा था तो आया होगा। अरे बांजे, मेरा प्यारा गुड्डा, अरे मेरा लाडला भैया, देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ पता है? बड़े पापा गांव से आए हैं, मैं उन्हें बस स्टैंड पर लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना भैया? मैं बस अभी आता हूँ। भैया रुको, कल रात को जो आया था वो कौन था? उसे तुमने देखा नहीं? कौन? अरे अपना वो दोस्त है दीदी, तुमने उसे देखा होगा। उसे बुलाओ ना। हाँ बुलाता हूँ ना, अगले हफ्ते उसे आने को कहूँगा। क्या भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? उसे बुलाओ ना, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इतने साल से जहाँ तुम खड़े रहते थे वहाँ मैंने उसे देखा है, अगर वो नहीं होता तो मैं भी नहीं बचती और ना मेरा बच्चा बच पाता। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है, उसे बुलाओ ना भैया, उसके पैर पड़ूंगी और उसे धन्यवाद। अरे तुम टेंशन मत लो दीदी, मैं उसे बुलाता हूँ, बस अभी फोन करता हूँ, वो फटक से आ जाएगा भाग के। अपना ही दोस्त है, ठीक है ना? मैं अभी आता हूँ। ए गड्ढा, मैं अभी आता हूँ उसे लेकर। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है दीदी? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, मैं उसको मारने वाला था लेकिन उसने दीदी को बचाकर मेरी मदद की है, उसने दीदी को खून भी दिया, अभी उसे मैं मारूं तो? रुक मैं उसको फोन। इसका मतलब? ए, 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 तू क्या कर रहा है? एक मिनट, एक मिनट, तू, अरे एक मिनट बस, एक कर रहा है ये? हेलो सर, बॉस, सॉरी बॉस, मैं मायावरम से मणिशंकर बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर आने वाले थे ना, कब आ रहे हो बताओ ना। नहीं तो मैं आता हूँ, बताओ ना कहाँ पर आना है। नींद से उठाकर पूछ रहा है कि मैं तुझे कब मारने आऊंगा, तुझे तो कल ही मार देना चाहिए था। ए बले, किसके साथ सुबह सुबह तू गुटर को कर रहा है? चुपचाप सो जा,
दोस्त से ही बात कर रहा हूँ। बॉस अभी आपने क्या बोला? क्या क्या बोला? दोस्त करके बोला, दोस्त करके बोला ना। हे कौन किसका दोस्त रे, मैं याशरवाड़ी का बल्ली हूँ। बॉस आप याशरवाड़ी के हो या काजरवाड़ी के, क्या मजाक कर रहे हो? बॉस अभी हम दोस्त बन गए। बॉस एक नंबर का पागल। दोस्त उसे यहाँ बुलाया क्या? नहीं यार, उसने किसी को मैं दोस्त हूँ ऐसा बोला। मर गए यार, इसने उसे यहाँ पर आने के लिए बोला है। अरे दोस्त ही तो बोला ना, दिल की बात जुबान पर आई जाती है। हा? वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करेगा भाई? तू उसके लिए क्या करने वाला है? अंधेरे में सुई ढूंढने जैसा काम है, उसे कहाँ ढूंढेगा तू? अगर तू उसके सामने खड़ा हो गया ना तो पहले वो गुस्सा मारेगा फिर बात करेगा। चेन्नई याशरवाड़ी बल्ली उसका फोन नंबर, ये बहुत हो गया। सर राइट में 6 किलोमीटर, लेफ्ट में 4 किलोमीटर, वो इलाका तो यही है, लेकिन वो जगह कहाँ है? सारे के सारे चोर हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। नमस्ते। ए छोटे, सर को क्या चाहिए? देख ये चोर और पुलिस इन दोनों के लफड़े से बचने के लिए इस दुकान को बेच कर कहीं चला जाता हूँ, यही अच्छा रहेगा। भाई इडली, आपके होटल की खुशबू ही अलग है। मेरे पिताजी को पहले ही कहा था यहाँ पर दुकान मत खोलो, लेकिन वो माने ही नहीं। यहाँ पर तो गुंडों ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। नहीं भाई, यहाँ पर बल्ली नाम का एक... वो तो कत्ल करने वाला खूनी है, मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? देख साहब को क्या चाहिए? आप लोग सीधे चौक पे पहुंचिए, ऊपर से ऑर्डर आया है चौक पे, चौक पे वहाँ एक रेड रंग की मारुति जा रही है, उसे रोकना है, सर्च करना है। कैसे हो? बस ठीक हूँ। सुनो उस एरिया में जाके देखो, किशोर लाइन पे आओ, लाइन पे आओ। लाइन पर बोलिए। देखिए जॉन्स रोड छोड़ के कहीं जाना नहीं है, जॉन्स रोड पे फौरन आइए। ओके सर, मैं देखता हूँ। बाकी एरिया में कोई भी पुलिस वाला रहना नहीं चाहिए। कॉपी दैट सो। ये वायरलेस वाले काम करने तो देते नहीं, जब भी कोई काम करने जाओ तुरंत रोक देते हैं। सर डिपार्टमेंट ही हेल्प कर रहा है, अशोक मेहरा का मैटर है, बल्ली इसमें शामिल है सर। वो बल्ली अशोक मेहता के साथ है, इसलिए बहुत उड़ रहा है। मेरे हाथ लग गया तो उसके हाथ पर तोड़कर उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। किसका दोस्त है बे? अगर तेरी जगह मैं होता ना तो तू भी मुझे मारकर चुपचाप निकल जाता। हम सब गुंडे हैं, हम किसी के दोस्त नहीं। हमें ऐसे ही छोड़कर खुद सेटल हो गया था ना। तू हम सबको फंसाने वाला था, चुप है बोल ना।
सर hey, उसने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। आपकी सारी बात बताने के बाद उसका पुराना सारा मैटर हमने साफ कर दिया सर। उस दिन आपको कोर्ट में किसने मारा था उससे अच्छे से बताए सर। अगर आप आकर पूछेंगे तो वो सब बता देगा। hey, वो मरना नहीं चाहिए। तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं आता हूँ। जॉन्स रोड 532 सर, 8वीं गली। सब एक ही जैसे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, लड़के हैं अपने यहाँ पर, वो ले आएंगे आपको। 10 मिनट में पहुँचता। ओके सर, ओके ओके। ए छोड़ो सर, वो तो मरने वाला है। ए गाड़ी लेकर जाओ तुम लोग। चलो चलो चलो। अरे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, धक्का मारो। ए, जल्दी जाओ, भाई वहां पर आते होंगे। चलो स्टार्ट करो। जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। लगता है वो बल्ली ही है। मतलब मैंने बल्ली को देख लिया, अभी मैं उसे मारने जा रहा हूँ। हो सकता है वो भी मुझे मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी दीदी का शुक्रिया था, उस तक पहुंचाना होगा। ए, कौन है बेतु? यहाँ क्या कर रहा है? चल जाए यहाँ से। बल्ली? बल्ली चाहिए? ए, उसे क्यों पूछ रहा है? बल्ली? बल्ली तू कौन है बे? बल्ली बल्ली ए, ए, मुझे मारने के लिए आया ऐसा कहा था ना बल्ली। ए, उठना। ए, दीदी पूछेगी तो क्या बोलूंगा? अरे बोलना बल्ली। इतना खून निकल गया है तेरा, ऐसे खून से मेरे दीदी की जान बच गई है। ए बल्ली, ए उठ बे। ए कौन है वो तेरा? दोस्त हूँ इसका। फ्रेंड है? अब ये उसका कौन सा फ्रेंड है? पता नहीं भाई, अब ये कौन है? ए, अशोक सर किसी भी वक्त आते होंगे। लेकिन मैंने उसके साथ कभी नहीं देखा। लेकिन एक बात है सर, वो सीधा मुंह पे ही मारता था। सिस्टर, ए, इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? हटिए हटिए, रास्ता दीजिए। सिस्टर, रास्ते से हट जाइए। डॉक्टर कहाँ? हट जाओ हट जाओ हट जाओ, साइड बैठो, हट जाओ। आ गए डॉक्टर साहब, आ गए। रुकिए रुकिए। डॉक्टर डॉक्टर, एक्सीडेंट हो गया। इसका शरीर तो पूरी तरह से कटा हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सीडेंट केस है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक काम कीजिए, जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाइए और एफआईआर की कॉपी लेकर यहाँ आइए। डॉक्टर, इतना सब करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर, इसे लाने वाला खुद पुलिस वाला है। सॉरी सर। सिस्टर रेडी करो। उस दिन जिसने तुझे मारा था वही आया होगा। सोच ले,
तूने उसे मारने के लिए आदमी भेजा, तेरा प्लान मिस हो गया और तेरे आदमी वहाँ फंस गए, फिर तू वहाँ जाएगा, तू क्या करेगा? वो मुझे देख पाए इससे पहले ही मैं उसे मार डालूंगा। फिर एक बात बता, तूने बल्ली को क्यों बचाया? तुझे मालूम है उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई तो छुप के ये खेल खेल रहा है। वो हम दोनों को एक दूसरे के सामने लड़ाकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ये समझ तू मेरे भाई? जल्दी ही वो अपना गेम शुरू करने वाला है। वो चाहे कोई भी हो, उसे हमें ढूंढ निकालना है। बल्ली यहां पर एडमिट हुआ है क्या? बेटा चाय पियोगे? नहीं चाहिए दादी। वो कौन है बेटा? दोस्त। मेरे पति ना पिछले सप्ताह नाले में गिर गए थे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो मैंने अपने पति को यहीं भर्ती कर दिया। मैं एक सप्ताह से यही हूँ, रोज यही देखती हूँ, कोई न कोई जख्मी या बीमार आदमी यहाँ आता है। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि ये कौन है तो कहता मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। सभी कहते हैं एक फ्रेंड ही मुसीबत में सबसे पहले साथ देता है, और उसके बाद ही भाई बहन माता पिता मामा मामी और सब लोग आते हैं। अच्छे फ्रेंड नसीब वालों को ही मिलते हैं, आजकल के लोग बहुत ही नसीब वाले हैं। सर सर पेशेंट का नाम क्या है? एकलव्य। सर 5 यूनिट खून चढ़ाना पड़ेगा, 1-2 रहता तो ठीक था, लेकिन 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा। सोशल मीडिया है ना, उस पर आप मैसेज डाल दीजिए, आपको खून मिल जाएगा। लेकिन जल्दी। ओके डॉक्टर। पूरा हॉस्पिटल खाली है रे। हाँ भाई सही कह रहे हो। चल किसने एडमिट किया? ब्लड ग्रुप क्या है तेरा? ए नेगेटिव। ये कौन है भाई, खून मांग रहा है? ए मैं नहीं दूंगा। वो पॉजिटिव जिसका है वो साइड में खड़े हो जाए। कौन था रे, बहुत बुरी तरह से मारा हम लोगों को, यहाँ एडमिट करके चला गया वो। बहुत मारा। ओ मैडम जी, ओ डॉक्टर। अरे अरे चाचा सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। अंदर आ जाओ, मेरे लिए एक फोन कर दो, 9600537021। बहुत अर्जेंट है चाचा, फोन लगा दो। हेलो शेखर। हाँ? हम लोग बुरी तरह जख्मी है यार। क्या हुआ बे? तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जा यार। कौन सा हॉस्पिटल? हेलो बोलिए सर। हाँ सर, ये मेरा ही फोन नंबर है। कौन सा हॉस्पिटल है? अरुणा हॉस्पिटल सर। अरुणा हॉस्पिटल। मटन शॉप में भी बकरे को मारने के बाद उसके टुकड़े करते हैं, जो जिंदा है भला उसे कैसे काटें? होश आने में 12 घंटे लगेंगे, 36 जगह पर वार हुआ है। पेशेंट के होश में आने के बाद ही हम उसका दूसरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करूं? जरूर, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, 12 घंटे तक ध्यान रखना होगा। ये क्या हुआ तुम लोगों को? क्या हुआ तुमको? किसने मारा? देखो ना, उसने हमारी हड्डी पसली तक तोड़ दी। अबे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया मैंने, बल्ली कहाँ है? तुमने बोला अरुणा हॉस्पिटल। हाँ अरुणा हॉस्पिटल। लक्ष्य हॉस्पिटल में मारकर उसने हमें यहाँ एडमिट किया, जरूर बल्ली वही होगा भाई।
हेलो। हे हेलो, मैं वासुकी बोल रही हूँ, तुम फ्री हो क्या? हाँ मैं फ्री हूँ, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? मैंने बताया था ना मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। ओ हाँ हाँ बोला था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मम्मी पापा ठीक भगवान के सामने खड़े हैं और मैं फोन दे रही हूँ, अब तुम ना उनसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करना और उन्हें विश करना। या तो तुम मुझे बोलने दो या फिर अपनी बात पूरी कर लो, सीरियल ब्रेक में आने वाले एडवर्टाइजमेंट की तरह बोली जा रही हो। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? हाँ क्या हुआ है? मिल नहीं सकते, कम से कम से बात तो कर। मिल क्यों नहीं सकता, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। कहाँ? मैं चेन्नई में ही हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है मैं दर्शन करके तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके बाय। मेरी बहन को एक नई जिंदगी देने वाला यही इंसान है, अगर मैं इसे नहीं बचाता तो मेरे इंसान होने का कोई मतलब नहीं बनता। अशोक यही वो एविडेंस है, हमने पहले मांगा तो किसी ने एविडेंस हमको दिए नहीं थे, बोला गया कि कैमरा सेट नहीं हुआ था, फ्लैश में प्रॉब्लम थी, और ये भी बोला कि शूट अच्छे से नहीं हुआ है, हर बात पे उन लोगों ने हमसे झूठ बोला। अगर मैं मरा तो पूरे राज्य के लोग दिवाली मनाएंगे। बल्ली ने मेरे लिए बहुत काम किया है, लेकिन मुझे मारने कौन आया था ये बात उसने मुझे नहीं बताई। आखिर इसमें कौन शामिल है मुझे पता लगाना होगा। चल चल अरे यहाँ पर बल्ली कौन है? बल्ली नाम का कोई पेशेंट है? इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारे दोस्त का नाम बल्ली है का? अरे मैंने बोला था ना इसका नाम एकलव्य है। यहाँ कोई बल्ली नहीं है, ऊपर जाकर चेक करो। हाँ मैं देखता हूँ। अब क्या होगा? हाँ अच्छा देखो वो दो लोग आ रहे हैं, मैं किसी भी तरह उन्हें संभाल लूंगा, तुम डरो मत, ठीक है ना? नज़दीक आ रहा है वो, आ गए। तुम डरो मत, उसे आने दो, मैं देख लूँगा। चल बाहर चल। अरे हाँ डडा, बाहर क्यों जाए? यहाँ पर पेशेंट्स हैं, चल बाहर चल के बात करते हैं। ए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो ऐसे नहीं मानेगा। पुलिस वाला है। क्यों बे? हाँ बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आता। अरे सर सॉरी सर सॉरी, हम किसी को ढूंढ रहे थे, गलती से आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी सर, दोबारा नहीं करेंगे। जा बात कर। नमस्ते सर। चल जा जगह खाली कर। जा कार में बैठा इसे। ए, मैं हूँ यार श्रवण। ए, श्रवण? ए, अरे कहाँ है तू? ए, श्रवण यार। अरे मैं तो कब का आ गया यार, तू अंदर है क्या? तुझे सरप्राइज देने के लिए तो मैंने फोन नहीं किया। ए, सरप्राइज देगा? अच्छा सुन, उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, उसकी तबीयत को कुछ होना नहीं चाहिए, उसका ख्याल रखना। तूने फेसबुक नहीं देखा क्या? सोचा अचानक तेरे पास आके तुझे सरप्राइज दूंगा। ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, तू आ जा। हम दोनों मिलकर तेरी दीदी को सरप्राइज देंगे। सुन मैं दरअसल एक काम से मैं बाहर आया हूँ, काम खत्म करके आ जाऊंगा। कहाँ? कौन सा काम? मैं चेन्नई में हूँ। क्या कहा? चेन्नई में है? तू इधर नहीं है क्या?
जरा चेहरा देखो तो, बिल्कुल इसके भाई पर गया है नजर ना लगे। कैसा दिख रहा है ये? बताओ ना किस पर गया है? इसकी आंखें देखो तो, बिल्कुल बाप के जैसी है। चुप हो जाइए आप, जब से देख रहे हो मेरे बेटे को घूर रही हैं। चुप नहीं रह सकती क्या? कितनी बकबक करती हैं आप। आंखें बिल्कुल मेरी जैसी दिखती हैं। नहीं आप मैंने भी भगवान से मन्नत मांगी थी कि अपने बच्चे के नाम से पूजा करवाऊंगी। आज ये दिन आया तो तुम ही यहाँ पर नहीं हो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ ना। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं दीदी, तुम्हें जो हॉस्पिटल लेके गया था ना, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। तुमने कहा और मैं निकल गया, मैं उसे लेकर आता हूँ ना। ठीक है ठीक है भैया, उस भैया को भी लेकर आना जिसने मेरी जान बचाई। उसके घर में जो भी हो सबको यहाँ पर लेकर आओ, जैसे कि माता पिता बाल बच्चे। उनकी शादी हो गई है क्या? हो गई हो तभी ठीक है, ना हुई हो तभी कोई बात नहीं। उसे सबको लेकर यहाँ पर आ जाए। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, मैं आ जाता हूँ। अपने घर पर बुलाकर उसे 10 दिनों तक रखूंगी। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। प्लीज भैया, वो कुछ काम में ऐसा लग रहा है, जैसे काम खत्म होता है। काम है ठीक है, जो भी काम है उसे निपटाओ और जल्दी यहाँ आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। दीदी कहाँ जाकर पूछो कौन है ये, इसका कोई दुनिया में है भी या नहीं है, कौन है इसका दुश्मन, कौन है जो इसे मारना चाहता है। मैं एक एक करके मार रहा हूँ और एक एक करके इसके दुश्मन बढ़ रहे हैं। ठीक है चलो। हाँ। कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना आ जाए, इसे गांव ले चलते हैं। इसके बारे में जो भी पता है, इसका नाम, इसका फोन नंबर। फोन सर, बल्ली का फोन ऑन हो गया है। कौन सा एरिया है? सर एकटंगल कारणी तुड़ा बिल्डिंग रिंग टावर, उसके बगल में कौन सा हॉस्पिटल है? सर 24 आवर्स दो ही हॉस्पिटल खुले रहते हैं, एक हॉस्पिटल में एडमिट करना मुश्किल है सर, लक्षा में हो सकता है। उधर नहीं, उधर चेक करने को कहो, अपने आदमियों को जल्दी भेजो वहाँ। सर जल्दी। सर उस फोन पर एक कॉल आ रही है सर। ए, उसे कुछ करने के लिए मत बोल, रुकने के लिए बोल। ठीक है सर, उस नंबर पर 1 घंटे बात हुई है और एक ही बार बात हुई है, वापस उसी नंबर से कॉल आ रही है सर। मैं उस नंबर पे फोन करता हूँ सर। रुको। वहाँ एक भी खाकी वाला नहीं दिखना चाहिए, पहले वहाँ एक कत्ल होगा उसके बाद वो लोग आएंगे। ए, जाओ। फोन ऑन करते ही हेलो, मैं बल्ली का दोस्त बोल रहा हूँ, उसका एक्सीडेंट कट कर दिया। कौन है, क्या नाम है, जरा ट्रू कॉलर में चेक करके बताना। जिसने बात की वो बल्ली नहीं है, इसलिए उसने फोन कट किया। ए, अपने आदमियों को बोलो उस पीसीओ के पास जाए, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट के अंदर मुझे वो चाहिए, समझ गए? ओके सर। मनी, ये तो अशोक नगर एरिया के पीसीओ का नंबर है शायद, और डिटेल्स नहीं मिल पा रही है, यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर होगा। बल्ली की आवाज नहीं है, जानकर फोन कट कर दिया, कौन हो सकता है? ए, बल्ली को कौन काम देता था ये हमें पता चल गया है। ठीक है बॉस। ये सब लोग वहाँ से जल्दी से निकल जाओ। लेकिन आसपास पुलिस है बॉस। ए, पुलिस का हमें फुल सपोर्ट है, तो उस पुलिस वाले को बोल। ठीक है बॉस। सब नालायक है। कॉफी लेकर आऊं क्या? फिर क्या दादी? नहीं, वो पुलिस वाला कहाँ गया? अभी अभी बाहर गया है बेटा। अरे सर सर, वो आदमी मिल गया सर, बल्ली का मैटर सॉल्व हो गया, बल्ली को काम देने वाला आदमी हमें मिल गया है सर, अभी अभी फोन आया था, आप उसे ही ढूंढ रहे थे इसीलिए आपको बताने आया, चलता हूँ सर। ठीक है ठीक है, तुम निकलो, मैं देखता हूँ। मणि, मगरमच्छ के मुंह से हाथ निकाल कर तुम सिर डालने की सोच रहे हो? नहीं नहीं, ए, उसने जो बोला वो सुना ना, अभी उनको बल्ली की फिक्र नहीं है, गुंडों का कोई मामला होता है तो पहले एस्केप कैसे हो जाए यही सोचते हैं, लेकिन इसने अपनी जान पर खेल कर मेरी बहन की जान बचाई है, ऐसा इसने क्यों किया ये पता चल जाए तो इसे पूरी तरह बचाने के लिए मुझे एक आइडिया मिलेगा। अच्छा तुम निकलो, मैं रास्ते में तुमसे मिलूंगा। चल चल चल। ओके। दीदी ने कहा है कि इसे संभाल कर ले जाना,
इसकी जान बच जानी चाहिए। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं इसे कुछ होने ना दूं, फिर चाहे मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। बल्ली को मारने वाला कौन है, कैसा है, ये मैं नहीं देखूंगा। बस इसे दीदी के पास सुरक्षित ले जाऊं। ओए सर, नमस्ते सर। कहाँ पर जा रहे हो? अशोक नगर जा रहे हैं मेटल सेल उठाने के लिए। मुझे भी उसी तरफ जाना है। जाते जाते मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ देना। हाँ आइए ना सर, आइए बैठिए, आइए। ध्यान से सुन, जब वापस उस फोन से बल्ली का कॉल आएगा तो मैं तुझे फोन करूंगा। मेरे कॉल करते ही तू नीचे उतर के उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, चाहे वो मेरा कोई अपना ही क्यों ना हो या मेरा खास हो। किसी भी कीमत पे वो मरना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसका वो हाल करना कि अगर उसे कोई देखे तो कांप उठे, समझा? ये काम जो भी कर रहा है बहुत बड़े लेवल का है। अब पता नहीं किसका नंबर आने वाला है, सब तैयार रहना। अरे क्या रे, मेरी बेइज्जती करवा दी तूने? हालात सही नहीं सर, काम में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। 15 दिनों का टाइम दिया है ना, उसके अंदर काम कर दूंगा, जल्दीबाजी मत करो। अरे उसका कत्ल करने के लिए बोला था और तुम लोग उसकी मदद करने चले गए क्या? ए रुक रुक रुक, क्या बोला? ए उसने एमएलए के चेहरे पे थूक दिया है। छोड़ छोड़, एमएलए साहब बहुत तकलीफ में है। अभी तुझे एक अच्छा चांस मिला है, वो बल्ली को देखने के लिए चेन्नई आया है। इस बार वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझ गया ना? हां उसकी फोटो भेजिए। कितनी हिम्मत है उसमें, पूरे राज्य में खलबली मचा दी है उसने। लेकिन अब ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। बल्ली अटके या ना अटके ये तो बात की बात है, लेकिन तुम लोग तो अटक ही चुके हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ए अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, कल जो बल्ली को लेकर के गया था ये उसकी फोटो है। कौन है बे ये? अभी कुमार ने बताया है कि नाम मणिशंकर है, मायावरम में एमएलए उसका कोई झगड़ा हुआ है ऐसा कह रहा है वो। उसे खत्म करने गया बल्ली, उसी की हेल्प करके आ गया, उसका एहसान चुकाने के लिए वो फिर से वापस आया। जरा फोन दिखा। फोटो लोड हो रही है भाई, वो जब सामने आ जाएगा ना तभी देख लेंगे। ओ केबल कनेक्शन का लफड़ा है, आज कनेक्शन ही काट दूंगा। ए, सर सीट बेल्ट डाल ले। गाड़ी शुरू की तो पहन लूंगा सर। जरूरत पड़ेगी डाल ले। हेलो ए सब अच्छे से सुन लो, पीसीओ से उस सेल फोन पर कॉल आएगा, मैं हॉर्न बजाता रहूंगा, सब आकर ठीक ढंग से अपना काम कर देना। ठीक है? काम हो जाएगा भाई, आप टेंशन मत लो भाई, हो जाएगा। नहीं इस औरत पे शक है क्या सर? नहीं। पीसीओ से कॉल आ रहा है। वो अभी वहीं पर है। कौन है? Oh.
में से कोई बल्ली की बहन हो क्या? भैया, इससे पहले हमने आपको कहीं देखा है, ऐसा हमें लगता है। एक दिन पूरे राज्य को अच्छे से देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में पवित्रा ही फर्स्ट आई है। पेंटिंग हो या खेल कूद हो या फिर पढ़ाई हो, हर सब्जेक्ट में पवित्रा ही फर्स्ट है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है, और उससे हम कब मिलेंगे ये हमें तय करना होता है। मैं पवित्रा की दुश्मन हूँ, लेकिन वो मेरे सपनों में आती थी। मेरे घर के बगल में एक कुत्ती ने बच्चे दिए थे। उसने पूरे 10 बच्चे दिए थे। घर के अगल बगल 10 बच्चे थे। 10 बच्चों को वो बड़े प्यार से संभालती थी। सिर्फ एक ही बच्चा था जो रोड पर चला जाता था। उसे संभालना बड़ा ही मुश्किल काम था। मैंने चाचा से पूछा, वो अपने सारे बच्चों को यहाँ से लेकर चली गई है चाचा, फिर ये एक बच्चा यहाँ कैसे रह गया, इसे क्यों छोड़ दिया? चाचा ने कहा, जिसको लेकर गए वो सारे लड़के थे और जिसे छोड़ गए वो लड़की थी। ये क्या बात हुई? मैंने चाचा से पूछा, जिसने जन्म दिया वो तो लड़की है, फिर उसे क्यों छोड़ दिया? उसे बचाने वाली भी एक लड़की थी, यानी कि मैं। मैंने भी उसे ट्रेनिंग दी। जितनी भी लड़कियां थी ना, सब उस पिल्ले को संभालती थी, लेकिन मैंने जिसे बचाया था वो सबको संभालता था। अभी पिछले महीने उसकी मैगजीन में फोटो भी आई थी। ये देखिए, यही है वो। तो समझ गई ना, लड़कियां किसी भी मामलों में लड़कों से कम नहीं है। वो भी पूरा घर संभाल सकती हैं, देश भी संभाल सकती हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? सुपर पवित्रा, इतना खुलकर बात करती हो। आगे का प्लान क्या है? क्या पढ़ना चाहती हो? व्हाट नेक्स्ट? मैं वकील बनना चाहती हूँ, क्रिमिनल लॉयर। बेटी, फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लाई हो, हिंदी इंग्लिश मैथ में तो सभी मार्क्स लाते हैं, फिजिक्स में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बनकर नासा ज्वाइन करना चाहिए। वकील बनने के लिए क्यों सोच रही हो? देश की चिंता करिए ना, नासा जाकर क्या करना है हमें? यहाँ की गवर्नमेंट सही नहीं है, ऑफिसर्स सही नहीं है, लोग रिश्वत लेते हैं, कितना करप्शन है। ये सब दूर करना होगा ना, नासा तो बाद में। उसमें और वकील में क्या संबंध है? सिंपल लॉजिक है, जहाँ कानून और कानून के रखवाले सही होंगे ना, वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सजा अगर खतरनाक होगी ना, तो लोग क्राइम करने से डरेंगे, सोचेंगे 10 बार क्या करना है क्या नहीं। और हाँ, जो रेप करने वाले होते हैं ना, उन बलात्कारियों को तो चाबुक से मारना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उन्हें। और यहाँ रेप करते हैं, कुछ दिन के लिए जेल में जाते हैं और फिर छूट जाते हैं। इसी कानून की वजह से बलात्कार कम नहीं हो रहे हैं। अगर मैं वकील बन गई तो इन्हें कड़क सजा दिलवाऊंगी। मैं ऐसी वकील बनूंगी कि एक एक को फांसी चढ़वाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे हाथों से एक भी गुनहगार कभी भी नहीं बच पाएगा, सब कानून का पालन करने लगेंगे। पर इतनी कम उम्र में आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा बिल्कुल सही है। शायद देखने सुनने वालों को लग रहा होगा कि ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है। गुस्सा कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि कबर्ड में छुपा कर रखा जाए, वो तो दिखेगा ही ना। रोड पर गाड़ी धक्का मार के चली जाती है, पीछे पलट कर नहीं देखते, कोई मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचाता। क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल देते हैं कि मैं गुस्से में हूँ, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। ठीक है, पर आपका गुस्सा भी क्या कर पाएगा? जरूर कुछ करेगा। मेरा गुस्सा मुझे दिन भर सोने नहीं देता, रात को जागे रखता है। मन तो करता है कि अभी से केस लड़ूं, जो भी गुनहगार है उन्हें सजा दिलवाऊं। ये मेरा गुस्सा ही मुझे बड़ी वकील बनाएगा। देखिए, अभी अभी आपने प्लस टू किया है, वकील बनने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। तब तक आप केस के लिए एविडेंस और पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करेंगे, बताइए? होगा भाई, सब कुछ होगा, अगर हिम्मत हो तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा बोलिए, और कुछ पूछना है क्या? आपको पता है शहर में कितने पत्रकार हैं? 1000 पत्रकार होते हैं शहर में। सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है, उसी तरह से सबकी सोच भी अलग होती है। मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, हम सबकी सोच अलग है, हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। कौन सा केस लड़ोगी? हर तरह के केस हैंडल करूंगी। उसमें से सिर्फ 4 केस के बारे में हमें बताओ। मिनिस्टर के बेटे ने किया हुआ गैंग रेप, इस राज्य के मेडिकल कॉलेज में 6 लड़कियों ने एक साथ मिलकर आत्महत्या की थी, वो केस। और इतना ही नहीं, जो आश्रम का बड़ा केस था, वो जो सस्पेंस है, वो केस। वो चारों केस किसका है पता है क्या? उससे ज्यादा उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। ये सारे केस कौन हैंडल कर रहा है जानती हो? वो अशोक मेहता, नंबर 1 क्रिमिनल लॉयर। ये इस तरह की बातें कर करके ही ना आप लोगों को बड़ा बना देते हैं। एक बार अगर आप अपना मुंह खोलेंगे तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। अशोक मेहरा, वो भी क्या कोई एडवोकेट है क्या? मिनिस्टर जैसे लोगों की चमचागिरी करने वाले भी कभी वकील बन सकते हैं क्या? यहाँ हम ही हैं जो बदलाव ला सकते हैं, यंग जनरेशन ही ये सब कुछ ठीक कर सकती है। ए, छोटी से बच्ची देखो कैसे बात कर रही है। नए जमाने के नए विचारों वाले बच्चे हैं हम, जिनसे भविष्य बनता है वही बच्चे हैं हम, जो युद्ध में जीत कर आते हैं वही बच्चे हैं हम, जो कभी हार नहीं मानते वही बच्चे हैं हम, जो देश को सुधार सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं वही बच्चे हैं हम, जो कभी हार मानकर पीछे नहीं हटेंगे वही बच्चे हैं हम, कानून के रक्षक बनकर डटकर सामने खड़े रहने वाले बच्चे हैं हम। कोट पहनूंगी और कोर्ट में जाऊंगी।
है। क्या एक छोटी सी बच्ची कितना बोलती है? Hey, बुद्ध नगर इलाके में हमारे कौन कौन लोग हैं? पूछताछ की तो पता चला कि वो लोग गांव के अंदर हैं। हेलो, क्या चल रहा है अशोक मेहता? तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है? अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर वो काम पे रह, तो किसी को भी केस के बारे में कुछ पता चला ना, सर उस स्टूडेंट को मैं समझाता हूँ। सब अरे चाहे कितने भी पत्रकार मिलकर आवाज उठाएं, हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम निपट लेंगे। ये संगीता का है? वो तो अंदर गई है। अच्छा, वो स्टेट में फर्स्ट आई लड़की है ना, पवित्र, उसका घर कहाँ है? वो जो सामने घर है ना वहाँ। नहीं सर, यहाँ कुछ मत कीजिए, यहाँ वो सब करने से तकलीफ होगी। वैसे भी उस लड़की के साथ हमेशा 10-12 लड़कियां रहती हैं सर। नाम है पवित्र, उम्र है 17 साल, उसके माँ बाप नहीं है, सिर्फ चाचा ही है। जब वो 7वीं में पढ़ रही थी तो गांव के एक मेले में झूला के ऊपर से गिर गई थी। सिर में चोट लगने की वजह से 6 महीने 18 दिन तक कोमा में रही थी। उसके बाद भी वो ब्रिलियंट है, हमेशा स्कूल में टॉप ही आती है। उस लड़की के सर से लेकर पैर तक जो भी इस्तेमाल करती सबको स्पॉन्सर करने के लिए बोल। चल जा, जल्दी जा। मिनिस्टर जैसे लोगों की चमचागिरी करने वाले भी कभी वकील बन सकते हैं क्या? जैसा पवित्रा ने कहा था, उस केस को रीओपन करने वाले, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया है और इस बात ने अशोक मेहरा को हिला कर रख दिया। किसकी चिट्ठी है बेटी? मायावरम के मणिशंकर भाई ने चिट्ठी भेजी है। वो कहते हैं कि वकील बनकर जो मैं पहला कोट पहनूंगी वो उनके पैसों का होगा। सच कह रही है तू? ए पवित्रा, जल्दी आना, देख कौन लोग आए हैं। दुनिया में जो व्यापार होता है वो हमारे जैसे गरीब लोगों की खुशी होती है। उन्होंने उस दिन स्पॉन्सर्स भी भेज दिए। उस दिन चेन्नई से थीम पार्क का टिकट भी आ गया था। अब कोई बात नहीं होगी, हम पवित्रा को चेन्नई लेकर जा रहे हैं। Thank you.
सबको सपना देखने का अधिकार है, लेकिन तेरे सपने से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। नाइस टू मीट यू पवित्रा। पोती का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, बाहर रिपोर्टर लोग वेट कर रहे हैं, उन्हें जाकर दिखाइए। कैसे मरी ये भी बताइए, वो लोग खोद खोद कर पूछ लेंगे। रिपोर्ट में जैसा लिखा है वैसा ही करना। इसमें क्या लिखा है डॉक्टर? कुछ नहीं कि तुम्हारी पोती पिए हुए थी, गांव में कईयों के साथ चक्कर था और ऐसा ही कल 3 लड़कों के साथ पकड़ी गई थी। हाँ समझे, ऐसा ही जाकर के बोल देना। अगर ऐसा नहीं बोला तो सोच लेना। नहीं नहीं, इस बच्ची पर सब झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, जाकर सच बता दो। चलो उठो। प्लीज कुछ बताइए, ये सब कैसे हुआ? मेरी पोती को जब वो सातवीं क्लास में पढ़ती थी तो झूले झूलते हुए नीचे गिर गई थी। उसे जबरदस्त चोट लगी थी, तो एक साल तक वो बिस्तर पे पड़ी थी, झूले के पास भी नहीं जाती थी। लेकिन कल सुबह वो भूल कर वापस झूले में चढ़ गई और झूला झूलते वक्त वहाँ से नीचे गिर गई। उसे बहुत जोरों की चोट लगी और वो मर गई। ये रिपोर्ट तो उसने बनवाई है, लेकिन हमें जो करना है हम वो जरूर करेंगे। कैसे हुआ बेटी? मेहनत करके उसने पढ़ाई की और पूरे स्टेट में फर्स्ट आई, और यही उसकी मौत की वजह भी बन गई सर। जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? मैं वापस जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? चेन्नई। क्यों? हम लोग उसे चेन्नई लेकर गए थे ना, अब देख। मैं समझी नहीं। वो जीना चाहती थी, लेकिन उसके साथ क्या हो गया? क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्या गलती थी उसकी? और इतना होने के बावजूद हम लोग यहाँ चुपचाप बैठे रो रहे हैं। ना कोई मीडिया वाला आया, ना प्रेस वाले आए। उसके लिए तुम लोग क्या कर सकती हो? ए, जान दे सकते हैं हम। जान नहीं चाहिए किसी को। पैसा, पैसा कितना पैसा दोगी? हाँ कितना दे सकती हो बोलो? क्या करोगी? हाँ क्या करोगी पैसों का? अरे ये लो, तुम भी ये लो। तुम इन पैसों का क्या करोगी?
किसी लड़के के साथ ऐसा हुआ तो 10 लोग सामने मारने आ जाते हैं ना। आज लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो हम घर में बैठकर चूल्हा फूकेंगे क्या? हमें इसका जवाब देना होगा। हाँ, सही कहा, हम उसे जान से मार देंगे। हमें कुछ करना होगा। पवित्रा ने जैसा कहा था हमें वैसा ही कुछ करके सबको दिखाना होगा। तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। चारों तरफ कैमरा था, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस दिन हमारी मदद करने के लिए बारिश हो गई। किसी भी केस की सुनवाई के वक्त पत्रकारों के सवालों का जवाब ना देना अशोक मेहरा का काम था। उस दिन हमने जो कोशिश की थी वो हमारी पहली कोशिश थी। जाएंगे, पर हमारे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। नहीं, उधर जाकर देख। उन शैतानों के बीच उस दिन हमने एक शैतान को इंसान में बदलते हुए देखा था। चल जा। उसने क्यों हमें छोड़ दिया ये जानने के लिए हम उसे ढूंढ रहे थे। उससे हमने मदद मांगने का फैसला लिया। वहां वहां घूमकर हमने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन उससे अकेले में बात नहीं कर पाए। यहाँ
यहाँ वहाँ घूमकर हमने उसका फोन नंबर हासिल कर लिया। हम सब कौन है ये हमने उसे फोन पर बताया। भाई जूनियर विक्टर मैगजीन है क्या? ये थोड़ा सा बदल गया है। लो भाई। उसने कहा कि हमसे अकेले में मिलकर बात करेगा। इतने बड़े आदमी के साथ मुकाबला करना है, हमें मदद चाहिए। हम उसके घर में जाकर सारी सच्चाई बता दे। हम ऐसी कंडीशन में नहीं है, हम छोटे छोटे परिवार की लड़कियां हैं। हमारा इस तरह चाकू हाथ में लेकर घूमना हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हमें मदद चाहिए भैया। हमारी फ्रेंड्स लेडीज हम सभी मिलकर कुछ कर सकती हैं। पहली बार मौका नहीं मिला ना, दूसरी बार भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक न एक दिन तो हमें मौका मिल जाएगा। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। पेपर में मैगजीन में पढ़ा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, बड़ा एडवोकेट अशोक मेहता, उस पर किसी ने हमला किया। उसने कहा था कि वो हमसे मिलेगा। PCO से उसे फोन किया था, पर हमें एक छोटा सा डाउट था कि किस पर भरोसा करें। कोई और रास्ता नहीं था, उस पर भरोसा करना ही पड़ा। भरोसा किया तो फिर फंस भी गए। भैया आपकी छोटी बहन है क्या? है ना। तो हमें भी अपनी छोटी बहन समझ के छोड़ दीजिए भैया। आप कौन हो हम नहीं जानते हैं, पर हम बच जाएंगे। आप क्या करेंगे हमें नहीं पता। अब यहाँ किस पे भरोसा करें? यहाँ जो भी हुआ मैंने आपको सब बता दिया। ये लो भैया, आप इसे रख लो। हमारे बारे में किसी को मत बताना भैया। शंकर भाई ने चिट्ठी भेजी है, वो कहते हैं कि वकील बनकर जो मैं पहला कोट पहनूंगी वो उनके पैसों का होगा। लड़कियों की बस स्टॉप पर कत्ल करते हैं, रेलवे स्टेशन पर कत्ल करते हैं, जहाँ भी ज्यादा भीड़ होती है वहीं पर कत्ल कर देते हैं, पर कोई आगे नहीं आता भाई। महाराष्ट्र में एक लड़की का कत्ल हुआ तो बैल ने आकर बचाया, ऐसा सुना था। मैलापुर में ऐसे ही कत्ल होते वक्त एक कुत्ते ने रोका, पर इंसान तो सिर्फ देखते रहते हैं भाई। इन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, और सभी अच्छे लोग भी बुरे लोग का ही साथ देते हैं। और जो लोग तमाशा देखते हैं उनके पास जाके हमें बचाओ बचाओ हम नहीं कह सकते। जिन्हें तमाशा पसंद है ना उन्हें हम तमाशा ही दिखाएंगे, हम भी उन्हें मार के रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। बिना मतलब के इस धरती पर कोई भी किसी से मिलता नहीं है। अब मैंने जो मन्नत मांगी थी कि मेरी सारी खुशियां मेरी दीदी के जीवन को मिल जाए, लेकिन वो सारी खुशियां कोई और उसे देकर चला गया, वही अफसोस है। हम जो सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है, और एक दिन मुझे उस आदमी का पता चल ही गया। मुझे भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मगर अभी मैं सही बात समझाऊं, उसने मेरी एक दीदी को बचाया, लेकिन यहां मुझे 10 बहनों को बचाना अभी बाकी है। वही तो, ऊपर वाला ऐसे ही किसी को नहीं घुमाता है। पहले ना आप सबको ना मैं सल्यूट करता हूं। तुम जैसी 10 लड़कियां रास्ते पर निकले तो कौन तुम्हें मारने की हिम्मत करेगा? आप लोग अपने दोस्त के लिए आई हो ना, मैं भी अपने दोस्त के लिए आया हूँ। बल्ली मेरा दोस्त है। देखो यहाँ हिरन का भी अपना सिंह होता है, अगर वो अपने सिंह को घुमा दे तो अच्छे अच्छे शेर की बत्ती गुल होने में टाइम नहीं लगेगा, और तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। भैया हम आप पर भरोसा कर सकते हैं ना? भैया बुलाने से मेरी आंखें नम हो जाती हैं, और तुम सब भैया भैया कह रही हो तो मैं ऐसे ही चुप बैठूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? तू अपने आप को पुलिस वाला बता रहा है, वो भी मेरा वॉकी टॉकी रखा। ठीक चले चले से। मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में तुम्हारे दुश्मन के साथ तुम हार सकते हो, लेकिन खुद अपने आप से कभी मत हारना। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कम मत होने देना। लाखों को हरा कर जीत कर आगे आए हो तुम लोग, याद रखना कभी पीछे मत हटना। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुश्मन तुम्हें देखते ही थर थर कांपे। जो दिल कहता है बस वही करना। किसी से डरना मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद पर भरोसा रखना, हाथ पर विश्वास खोना मत, बस आगे बढ़ना। बल्ली का नसीब
को जाने कहता हूँ, अवतार लिखे बोल। ठीक है सर। सर मेरी बात को समझिए तो सही सर, प्लीज सर। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, तुम्हारे साथ जो भी करने जा रहा हूँ वो डिपार्टमेंट ने कहा है। प्लीज सर सुनिए, सर मेरी बात तो सुनिए, बस दो मिनट सर, प्लीज सर, प्लीज सर, भगवान के लिए सुन लीजिए। हाँ यार, सर रात में थोड़ा टेंशन था, वॉकी टॉकी किसी ने चुरा लिया था। सर मैंने चोरी नहीं की। चोरी नहीं की कहता है? हाँ चोर मिल गया, डीजी बुला रहे हैं इसीलिए वहाँ अर्जेंट जा रहा हूँ। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की, ये बात क्या कह रहा है तू? राज्य पे अपना सिक्का चलता है, किसी ने मुझे छुरा मारा फिर भी हमें पता नहीं चला, कितने शर्म की बात है ये। तो तुम लोगों का जो सपना है वो अलग लेवल का है। हाँ हाँ हेलो, बोलो रवि, उसका घुटना निकाल दो। अगर किसी की मदद करो तो ऐसे करो जैसे पीठ पर कोई तिल हो, वो दिखता तो नहीं है लेकिन बहुत ही लकी होता है। उसे कोई देख तो नहीं सकता लेकिन कभी कोई मुसीबत आए तो बचाने वाला वही होता है। मेरे भैया ने तोड़वाया है। ए, उसका फोटो है क्या? दिखा जरा। फोटो देखना है? वो तेरे फोटो पे हार चढ़ाने के लिए जरूर आएंगे, देख लेना। वो सब कितने लोग थे? वो पूरे 12 लोग हैं भाई। पूरे नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, वो सब बेकार हैं। ए, 12 लोग ही हैं, लेकिन एक एक के पास दो दो हाथ तो है ना, तो 24 हुए कि नहीं, एक एक को फाड़ सकते है ना।
हाँ वो तो मैंने तो एक छोटी सी मदद की थी और तूने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। क्या बोल रहा है ये? अरे फ्रेंड मतलब तूने मुझे फेसबुक फ्रेंड समझ कर रखा है क्या? फ्रेंड पर तो जिंदगी न्योछावर करते हैं। चल ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। पंडित जी अब पूरे राज्य को सुनाई देगा ना।